हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शॉप 360 में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम EPFO का सोशल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए जो प्रीलिम्स हुआ है आज, उसका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको जो लगातार अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो क्वांट की अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, पर जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें 5 नंबर आए रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर। और DI जो है वो टेबुलर आया था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में जो DI आया है वो एक लाइन ग्राफ वाला आया है, उसके ऊपर भी 5 पॉइंट थे। पर ये एक चेंज देखने को मिला कि सिंप्लीफिकेशन जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में 15 मार्क आया था, पर सेकंड शिफ्ट में जो है वो सिर्फ 10 ही मार्क आया है। और वर्ड प्रॉब्लम्स 15 मार्क्स के आए जो पहले शिफ्ट में 10 मार्क के थे। इजी लेवल के ही थे सिंप्लीफिकेशन। और अगर पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पजल आए थे। एक जो पजल था वो पैरेलल अरेंजमेंट का था जिसमें 10 पीपल थे। इस तरीके से 5 नॉर्थ फेस कर रहे थे, 5 साउथ फेस कर रहे थे एक दूसरे की तरफ। उसके अलावा एक मंथ वाला पजल था जिसमें 7 पर्सन थे और 7 मंथ्स दिए हुए थे। और उसके अलावा एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर था मतलब जिसमें 8 पर्सन्स थे और सब इनसाइड फेस कर रहे थे। उसके अलावा डायरेक्शन सेंस के ऊपर 3 प्रश्न आए थे इजी लेवल के। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी 5 नंबर के लिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग में एक हाइट वाला प्रश्न था, पजल था छोटा सा, मतलब हाइट कंपेरिजन हाइट दी हुई थी कुछ लोगों की और उनका कंपेरिजन करना था। उसके ऊपर 3 प्रश्न थे। और सिलॉग हमेशा की तरह मतलब ओनली अप यू वाले, ओल्ड इनइक्वालिटी डायरेक्ट इनइक्वालिटी ओल्ड पैटर्न की 3 मार्क्स के लिए। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो फिर इंग्लिश में एरर डिटेक्शन पूछा गया था 6 मार्क्स का इजी लेवल का, रेगुलर वाला जो एरर डिटेक्शन होता है वो। इसमें क्लोज टेस्ट हमें देखने को मिली 6 मार्क्स के लिए, वो भी इजी थी। सिंगल पिलर्स ये तो पहले शिफ्ट में भी थे, उसी तरह के दूसरे शिफ्ट में भी 5 पूछे गए। RC जो था वो विक्रमादित्य के ऊपर था। उसके अलावा रीअरेंजमेंट, इसमें पैरा जंबल नहीं पूछे गए थे, इसमें सेंटेंस का रीअरेंजमेंट पूछा गया था। मीन्स ऐसे एक ही सेंटेंस था उसमें उसके अलग अलग पार्ट दिए हुए थे और वो हमें रीअरेंज करने थे। मतलब एक पूरा पैराग्राफ नहीं था अलग अलग सेंटेंस में जंबल किया हुआ, एक ही सेंटेंस के अलग अलग पार्ट करके दिए हुए थे। एक एक मार्क के 5 प्रश्न थे उसके ऊपर। ओके और अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात की जाए तो फिर क्या होगा क्या नहीं, ये तो फिलहाल डिसाइड करना मुश्किल है। आप जितने अटेम्प्ट किए हुए हैं वो सब डाल दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की अगर बात की जाए तो पहले शिफ्ट के मुकाबले ये शिफ्ट थोड़ी सी वैसे टफ थी। 85 के ऊपर बहुत से बच्चों ने किए, वैसे बहुत से बच्चों ने 90 के ऊपर भी किए हुए हैं, पर अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो 85 प्लस के ऊपर भी अच्छे अटेम्प्ट्स जरूर है। आपने अटेम्प्ट्स कितने किए हैं वो जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए, साथ में स्टेट्स भी बता दीजिए कौन सा स्टेट है वो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
और हमारे चैनल स्टडी शॉप 360 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाय।